आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए भी फिर से रूल लिखो। अब है मेरे पास, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था आर्टिकल के अंदर जो हमारा दा वाला आर्टिकल होता है, दा बहुत आसान है, लेकिन है ना इसके रूल बहुत सारे होते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं दुनिया भर के कराऊंगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो खैर क्या फायदा है ना। तो लिखो आज के लिए भी नया रूल, जरूरी नहीं कोई नंबरिंग ही डालो, ठीक है। मैं नंबरिंग नहीं डाल रहा आज, मैं डॉट बना के रूल लिख रहा हूँ आज का, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई रिलीजियस बुक होती है, अभी मैं बता दूंगा, जब भी कोई धार्मिक बुक होती है, जैसे कि हमारी गीता है ना, रामायण है ना, इनके नाम से पहले भी दा लगाया जाता है। रिलीजियस बुक के नाम से पहले दा लगाया जाता है, कॉमा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, एक और लिखो मैगजीन्स, मैगजीन्स के नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूं। लिखो जैसे कि हमारा डैश गीता, जो जो आते जा रहे हैं भरते जाना। लिखो रामायण, कुरान। कुरान समझते हो ना, ये हमारी थोड़ी ना होती हिंदुओं की, लेकिन मानी तो जाएगी ना रिलीजियस बुक, बेशक मुस्लिम लोगों की होती है लेकिन है तो रिलीजियस। गुरु ग्रंथ, बताओ ये भी हमारी नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब, भर देना फटाफट से, बहुत आसान है भाई, ठीक है। बाइबल, ये भी हमारी नहीं है, कोई बात नहीं, आर्टिकल में तो पढ़ेंगे, हमारा नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ोगे नहीं, है ना, पता है ना सब। मैं देखो ये भी हमारी रिलीजियस बुक है, रिलीजियस 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 रिलीजियस, भर दो सब में धड़ाधड़ता। तो देखो पता ही, इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो जाते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से तुम खुद से भर देते हो ग्रामर के, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली रूल याद है और उसकी तुमने थोड़ी सी क्या कर रखी है प्रैक्टिस, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें वो रूल बहुत ही अच्छे से कमांड है और तुमने उसकी क्या कर रखी है प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो रूल तुम्हें चुटकियों में आ जाते हैं और तुम झट से कर देते हो, बट शर्त है प्रैक्टिस की होनी चाहिए, है ना। को लिखो इंडियन एक्सप्रेस। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा गाड़ी का नाम लिखवा दिया ट्रेन का, ना ट्रेन नहीं है, न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। एक और लिखो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो वही भूल ही नहीं सकते, है ना, भरते चलो। अब मैं कुछ न्यूज़पेपर के नाम लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक और लिखो इंडियन रिव्यू, ये भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, भर दो। तो देखो मैगजीन के फिलहाल मेरे पास नाम नहीं है, तो मैगजीन को रहने दो, ठीक है, ये तीनों डाल देना। अगला रूल देखते, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले, मैगजीन के नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा, ठीक है। अब अगला रूल लिखो नेशंस या नेशनैलिटी, जातियों के हिसाब से बात करूंगा मैं यहां पर, अभी ब्रैकेट में लिख लेना। जब भी मैं कोई हिंदी का शब्द लिखवाया करूं उसे जरूर लिख लिया करो जातियों। यहाँ वैसे मुझे मालूम है नेशंस और नेशनैलिटी मतलब यहां पर माना जाता है राष्ट्रीयता, मुझे भी मालूम है क्या बोलते हैं राष्ट्रीयता,
लेकिन मैं यहां पर है ना इसका मतलब क्या ले रहा हूं, जातियां। जैसे कि अमेरिका में रहने वाले इंग्लिश बोलते हैं तो हम उनको बोलते हैं अंग्रेज, इंग्लिश, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा। जैसे कि इंडिया के अंदर बोलने वाले ज्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदू, ठीक है। तो लिखो उस हिसाब से, समझ रहे हो ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीयता नहीं है, कि इंडिया में रहने वाला इंडियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, ठीक है। हम उसको उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसकी जाति के अनुसार लिख रहे हैं। जैसे कि अंग्रेजों की जाति है ना, चाइनीज की जाति, वो चाइनीज होते हैं, ठीक है। हम लोग हिंदू हैं, ऐसे उस हिसाब से कह रहा हूं। तो लिखो हिंदू से पहले हम क्या लगाएंगे, दा, है ना, हिंदी बोलने वाले हिंदू। एक और लिखो इंग्लिश, ये मत सोचना मैंने यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिखवाया है, लिख लो ब्रैकेट में, यहां पर इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, लोगों के लिए आया है ना, और ऊपर हिंदू लोग, तो भर दो इनमें दा, इसमें भी दा। समझ रहे हो ना किस हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं। छोटे छोटे रीजन है और गलत हो सकते हैं। कुछ और लिख लो, फ्रेंच है ना, फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच बोलने वाले है ना, फ्रेंच लोग क्या बोलते हैं, दा। चाइनीज बोलने वाले, चाइना में रहने वाले चाइनीज बोलने वाले लोग, चाइनीज। तो तुम इतना जरूर कह सकते हो कि ये जो वर्ड डिसाइड हो रहे हैं ना, उनकी लैंग्वेज से डिसाइड हो रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच पीपल, चाइनीज बोलने वाले चाइनीज लोग, हिंदी बोलने वाले हिंदू लोग। तो जाति समझ रहे हो ना किस हिसाब से आ रहा है। अगला रूल लिखो, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। लिखो सिंगुलर नाउन से पहले, ब्रैकेट में लिख लो यहां पर, जो पूरी जाति को दिखाए। अभी मैं मतलब बताता हूं, इसका पहले लिख लो। मैं कई कभी भी इतनी सारी हिंदी नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं आर्टिकल के अंदर भर भर के लिखता हूं, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसी चीज है, हिंदी के हेल्प से करोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति को दिखाती है, एक एग्जाम्पल देता हूं। डॉग के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, लेकिन जब डॉग का मतलब कुछ ऐसे इस्तेमाल किया जाए ना, कि डॉग एक डॉग एक बहुत ही पालतू जानवर है, तो मैं सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं इस समय, मैं बात कर रहा हूं पूरे डॉग्स की, पूरे डॉग्स प्रजाति की। जब मैंने ये बात बोली ना कि जो डॉग होता है वो एक फेथफुल एनिमल होता है, सपोज एक विश्वासकारी, एक आज्ञाकारी, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा जानवर है कुत्ता, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो एक फेथफुल एनिमल होता है। तो मैं किसी पर्टिकुलरली अपने डॉग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सभी डॉग्स की। है सिंगुलर नाउन, कुत्ता डॉग है एक सिंगुलर नाउन, लेकिन ये सारे के सारे डॉग की स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कुत्ते की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पूरी जाति को दिखाए, है ना। अगर मैं कह देता हूं मेरा मेरे पास एक डॉग है, बताओ ए लगाओगे दा, अब तो भाई ए लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक सिंगुलर नाउन बोली है सिर्फ अपने लिए, मैंने सभी के लिए नहीं बोली कि जितने भी कुत्ते होते हैं वो सब मेरे पास है, नहीं, मैंने सिर्फ एक बात बोली कि मेरे पास एक डॉग है ना, आई हैव अ डॉग, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डॉग एक विश्वासकारी या आज्ञाकारी जानवर होता है, तो सभी कुत्तों की बात हो गई, ठीक है। सिंगुलर है कि कुत्ता होता है विश्वासकारी जानवर, ठीक है, लेकिन सारे डॉग्स की बात आ गई उसमें, समझ रहे हो ना। तो देखो डॉग इज अ फेथफुल
एनिमल, तो क्या लगाओगे? दा। क्यों? दा क्यों? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ अपने डॉग की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा डॉग विश्वासकारी है, जितने भी कुत्ते होते हैं ना, जितने भी डॉग होते हैं, सब विश्वासकारी होते हैं। ठीक है, एक और लिखो। लायन इज अ बीस्ट एनिमल। बीस्ट एनिमल का मतलब होता है बलशाली, विशाल, ताकतवर, दमदार। जो लायन होता है, जो शेर होता है, वो एक ताकतवर जानवर है। तो मुझे बताओ, सिर्फ एक लाइन की बात हो रही है, लेकिन सारे सारे के सारे शेरों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो मैंने यहाँ पर बात बोली है ना, वो सिर्फ एक शेर के लिए नहीं बोली, जितने भी शेर होते हैं सबके लिए बात वो लागू हो रही है ना। तो देखो, जब नाउन होती है सिंगुलर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, जब कोई सिंगुलर नाउन होती है ना, लेकिन वो सबको रिप्रेजेंट करती है, जब कोई सिंगुलर नाउन होती है और जब वो सबको रिप्रेजेंट करती है, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या? दा। ठीक है, तो लगा दो लाइन के लिए भी दा। बात हो रही है एक के लिए, लेकिन कंक्लूजन निकाला जा रहा है सबके लिए। तुमने बोला कि कुत्ता एक विश्वासकारी, एक आज्ञाकारी जानवर है, तो एक के लिए हमें बात समझ में आ गई, यार ये बंदा बोल रहा है हर एक डॉग के लिए। हर डॉग ऐसा होता है, हर डॉग ऐसा होता है। जब मैंने बोला कि शेर एक ताकतवर जानवर है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन के लिए नहीं बोली ये बात, मैंने ये सभी शेर प्रजाति के लिए बोल दिया। मैंने ये बात सभी शेर प्रजाति के लिए बोल दी। बात समझ में आ रही है ना? तो बस रूल का खेल है, और कुछ भी नहीं है। अगला रूल लिखो। ऑल डॉट बना देना अगले रूल पे, ओ टिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल और बोथ के बाद होल, दोनों एक ही रूल में, होल और सेम से पहले। हमेशा ध्यान रखना, ऑल और बोथ के बाद लगाते हैं दा। ऑल और बोथ के बाद दा लगाया जाता है, और होल और सेम से पहले दा लगाया जाता है। देखो कैसे, ऑल गर्ल्स वर चीटिंग, है ना? ये तो सच है भाई, ये तो सच है, सारी लड़कियां चीटिंग कर रही थी। तो मैंने बताया, ऊपर रूल पढ़ो फटाफट, ऑल और बोथ के बाद आता है ना दा, हमेशा ऑल के और बोथ के बाद दा आता है। ऑल के बाद यहां पर आएगा ना दा, लगा दो। तुमने कैसे लगा दिया? क्योंकि रूल तुम्हारे सामने लिखा हुआ था। रूल याद है, लग जाएगा, नहीं है याद, फिर कुछ नहीं होने वाला। एक और लिखो। बोथ गर्ल्स आर फूल, दोनों लड़कियां मूर्ख हैं, ऐसा होता है ना सच में? तो मुझे बताओ, ऑल के भी बाद में आता है था और बोथ के बाद में भी आता है था। देखो, पर ऑल और बोथ दोनों के बाद क्या लगाया जाता है? दा। लगा दो। तो देखो, दा बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर बाई चांस, ऐसा होता नहीं है वैसे तो खैर, लेकिन बाई चांस फिर भी कोई अगर एक आध छोटा मोटा रूल या कोई छोटी मोटी बात डाउट में रह जाती है, तो तुम उससे क्लास में पूछ सकते हो खुलकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, दिल खोल कर पूछो। अब बाकी के दो पर और एग्जाम्पल दे देता हूं, लिखो। होल बॉयज आर स्मार्ट, सभी लड़के स्मार्ट होते हैं। मैंने बताया था होल और सेम से पहले आता है, तो बताओ होल से पहले, होल का मतलब सभी भी आ जाता है, ठीक है? होल का मतलब होता है पूरा, पूरा
होल का मतलब होता है सारा का सारा, होल का मतलब होता है सभी, ठीक है। तो होल से पहले आता है दा, ठीक है, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। एक और लिखो, सेम क्वेश्चन आस्क बाय मी, यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। बताओ सेम से पहले भी क्या आता है भाई? द आता है, तुम देख सकते हो बोर्ड पर, ऑल और बोथ के बाद द आता है, और होल और सेम से पहले द आता है, तो होल और सेम से पहले यहां पर द लगा दो, ठीक है। तो देखो रूल का खेल है बस, अगर तुम्हें रूल समझ में आते हैं तो तुम बहुत आसानी से काम कर पाओगे, और अगर रूल में गड़बड़ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो देखो एक रूल और करते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमने डिग्रीज पढ़ी होंगी, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, कहते नहीं है। देखो क्या होता है भाई, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, है ना। इसी तरह से कहते नहीं है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। देखो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत सुंदर, है ना, मोर मतलब, मोर ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर। सबसे सुंदर मतलब ये मानी जाती है सुपरलेटिव डिग्री, इससे ऊपर कोई नहीं है, इतनी सुंदर कि इससे ऊपर कोई नहीं है। मोर ब्यूटीफुल मतलब इससे ज्यादा, उससे कम, मतलब कंपेरेटिव, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेटिव का मतलब हम इसकी कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, इससे ये ज्यादा है और उससे ये कम है, ठीक है। जैसे कि देखो गुड ठीक है, अच्छा है ना, बेटर इससे ज्यादा अच्छा है, और बेस्ट सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, सुपरलेटिव, है ना, और बेटर मतलब इससे कम अच्छा लेकिन इससे ज्यादा अच्छा, मतलब कंपैरेटिव। हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना कर ली, हमने इसकी तुलना इससे करी तो हमने देखा ये इससे ज्यादा अच्छा है, फिर मैंने इसकी तुलना इससे करी तो हमने देखा ये इससे कम अच्छा है ना। तो दो डिग्री से पहले हमेशा द आता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इन दोनों से पहले क्या आता है, द आता है हमेशा। जैसे कि बिग बड़ा, बिगर बहुत बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, है ना, आई एम द बिगेस्ट मैन, ठीक है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। तो ध्यान रखना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। अब लिखो अगला रूल, लिखो सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री से पहले। एक चीज का ध्यान रखना कंपैरेटिव वाली में, कंपैरेटिव में एक चीज का ध्यान रखना, कई बार है ना कंपैरेटिव वाली डिग्री के साथ है ना देन लगा हुआ होता है, बोर्ड पे देखो कंपैरेटिव वाली डिग्री के साथ अक्सर क्या लगा हुआ होता है, देन, तो देन पर लगा देना क्रॉस। अगर कंपैरेटिव के साथ देन लगा हुआ होगा ना तो तुम दा नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं बिगर, ध्यान रखना बिगर जो होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है, अगर बिगर के साथ देन नहीं लगा हुआ तो दा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन अगर बिगर के साथ देन लगा हुआ था साथ में, बिगर देन, ही इज बिगर देन मी, ये मुझसे बड़ा है, ही इज स्मॉलर देन मी, ये मुझसे छोटा है, ठीक है, तो अगर देन लगा हुआ है ना तो दा मत लगाना, और देन नहीं लगा हुआ तो दा लगा देना, दोनों चीजें एक साथ नहीं लगा सकते, है ना, रूल है, मैंने थोड़ी ना बनाए, ऐसे ही होता है रूल, है
है ना, तो देन पर लगा दो क्रॉस, इससे समझ जाना कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ तुम्हें क्वेश्चन में देन दिखाई देगा ना, तो गलती से भी वहां पर दा मत लगा देना। दा तब लगाना है जब देन नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूं, लिखो मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ही बुद्धिमान लड़की। मैं बताओ, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, ध्यान रखना जब भी ये वर्ड लग जाता है ना, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट क्लेवर, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट प्रेटी, तो जब भी ये लग जाता है ना मोस्ट, हमेशा ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, ठीक है। जिसके साथ भी मोस्ट लगेगा सुपरलेटिव डिग्री मानी जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दा, समझ रहे हो ना। अब एक कंपैरेटिव लिख लो, लिखो शी इज वाइजर ऑफ द टू, वो उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान है, वह उन दोनों में से, इसकी हिंदी बता रहा हूं, वह उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। ध्यान रखना जब भी ये वाले वर्ड लग जाते हैं वाइजर, बेटर, बिगर, स्मॉलर, लार्जर, ग्रेटर, थिकर, थिनर, फाइनर, स्मार्टर, जब भी ये वाले वर्ड लग जाते हैं एंड में, वाले, ये मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूं, हालांकि मैंने तुम्हें डिग्री नहीं पढ़ाई सुपरलेटिव कंपैरेटिव, क्योंकि ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, छठी सातवीं की बातें हैं, तो मैं डिग्री तो खैर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें डिग्री पढ़ाता तो मैं सारी की सारी डिग्री तुम्हें बिना याद करे चिपका देता दिमाग के अंदर। खैर कोई बात नहीं, मैं इसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी ये वाले शब्द लग जाते हैं ना, वो डिग्री होती है कंपैरेटिव, और मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं होना चाहिए, देन हुआ तो दा मत लगा देना, ठीक है। तो देन तो है नहीं, दा लगा दो, शी इज वाइजर, शी इज द वाइजर ऑफ द टू, वह उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह से ये कुछ रूल पढ़ते चलोगे तो बढ़िया लगेगा।